everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Hi, this is Shreya and I'm back with another exciting video. I hope you all have watched my previous videos, and if not, then go fast to my channel and watch all videos and like, share and comment. So today I'll be showing you all my oxidized jewelry collection. I mean, I love oxidized jewelries. I love to shop them, I love to wear them. So, without further delay, let's move straight into the video. Okay, so first jo cheeze main dikhaungi aapko wo main kuch neck pieces dikhaungi aapko. So the first neck piece is this. I know it looks very much common, but ye आप लोगों का वो जो वाइट शर्ट होता है या फिर पिंक शर्ट या फिर येलो शर्ट, उसके साथ बहुत ही अच्छा जाएगा. मैंने ये पहन के एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाया है, अगर आप लोगों को चेकआउट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो लिंक चेकआउट कर लेना. इसे मेकअप के साथ मैंने बनाया है, ट्यूटोरियल भी दिया है. सेकेंड नेक पीस है दिस इज़ लाइक दिस. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस है, इसके सामने स्नेक जैसा है. फिर जो नेक्स्ट नेक पीस मैं आप लोगों के सामने शो करूंगी, दिस इज लाइक दिस. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, देखिए आप लोग सामने से. ये मुझे मेरे मम्मा ने पसंद करके दिया था, इसीलिए मेरा बहुत ही फेवरेट है ये, और पहनने के बाद भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. मुझे लगा कि ये मेरा फेवरेट है, मैंने आप लोगों को बोला तो मुझे पहन के भी आप लोगों को दिखाना चाहिए. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कैमरे पे ये पूरा आ नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल नेक्स्ट नेक पीस है दिस इज लाइक दिस. ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, और ये भी मुझे मेरे मम्मा ने ही पसंद करके दिया था. वो जितने प्रिटी है उनके चॉइसेस भी इतने. जो नेक पीस है इट्स लाइक अ चोकर टाइप. ये आप लोगों के शर्ट के साथ भी बहुत अच्छा जाता है, या फिर कोई भी कुर्ती हो इनके साथ भी अच्छे से जाता है. तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दिस इज लाइक दिस. ये साड़ी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, साड़ी के साथ अगर आप लोग कोई पहन ले इसको तो बहुत ही सुंदर लगेगा आप सब लोगों के. सो जो नेक्स्ट नेक पीस है वो ऐसा दिखता है, ये बहुत ही एक प्रीटी सा नेक पीस है. ये आप लोग अगर कोई हाईनेक कुर्ती हो या फिर कोई हाईनेक टॉप या फिर हाईनेक स्कीपी, उसके साथ आप लोग अगर स्कर्ट पहन ले या फिर प्लाजो पहन ले, कोई फिटिंग स्लिम फिट हाईनेक टॉप्स, तो उसके साथ ही बहुत ही प्रिटी लगेंगे आप लोग अगर पहनेंगे ऐसे. ओके, सो मेरे पास नेक पीस जितने भी थे मैंने आपको दिखा दिए हैं, और अभी मैं आप लोगों को कुछ रिंग्स दिखाऊंगी. मेरे पास रिंग्स ज़्यादा है नहीं, बस दो ही है, मैं आपको वो दो ही फर्स्ट रिंग है वो ऐसा है, ऐसा दिखता है, मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ. प्रिटी सा है ये कुर्ती, इसके साथ बहुत ही अच्छा. जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल है. बट समटाइम्स यू नो ये बहुत हेवी लगता है, जब हम लोग ईयर्स पे पहनते हैं ना, ज्यादा टाइम कैरी करते हैं तो ये बहुत ही हेवी लगता है, अदरवाइज इट्स टू मच ब्यूटीफुल. मैं नेक्स्ट जो आप लोगों को इयर रिंग दिखाऊंगी वो कुछ ऐसा है. इट्स अ वेरी कॉमन इयर रिंग, आई नो इंस्टा पे बहुत ही ये बीच में ट्रेंड हुआ था, मैंने हर एक ज्वेलरी पेज में इसको देखा था. ये बहुत ब्यूटीफुल भी है, पहनने के बाद भी बहुत प्रीटी लगता है, जो भी पहनेगा ये सभी को प्रीटी लगेगा.
लेकिन मैंने ये इंस्टा से नहीं खरीदा है, मैंने ये कोलकाता के मार्केट से खरीदा है, खुद जाके खरीदा। जो नेक्स्ट ईयर रिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, दिस इज लाइक दिस, ये बहुत ही प्रीटी सा है, ये 3 स्टेप्स में है ऐसे। नेक्स्ट जो ईयर रिंग है वो ऐसा दिखता है, पीकॉक शेप में है पूरा। ये ईयर रिंग्स भी मुझे गिफ्ट में मिले थे, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था ये ईयर रिंग्स, एंड ये ईयर रिंग्स मैं इस कुर्ती के साथ भी पहनी हूँ इससे पहले, क्योंकि इसके नीचे जी जो ब्लैक ब्लैक सा है ये इसके मेरे कुर्ती के साथ पूरा मैच हो जाता है। मेरी जो नेक्स्ट ईयर रिंग है इट्स लाइक दिस, इसकी कलेक्शन। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी मेरी ये कलेक्शन, एंड मैक्सिमम लोग मैं देखती हूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लोग इंस्टा से परचेज करते हैं बहुत सारी चीज़ें। मैंने आज तक कोई भी ज्वेलरी इंस्टा से परचेज नहीं किया है, मतलब ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, क्योंकि मुझे इंस्टा पे थोड़े ज़्यादा प्राइसी लगते हैं। आई मीन मैं अगर 400 का कोई भी ईयर रिंग परचेज करूँ तो वहाँ पे मुझे 80-100 शिपिंग देना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे इस प्राइस ही लगता है, इससे अच्छा मैं जाऊँ कोलकाता के मार्केट में। कोलकाता में बहुत ही अच्छा मार्केट है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, धर्मतला एस्प्लैनेड, तो वहाँ से मैं परचेज करती हूँ। एंड आप लोग ये मत सोचना कि मैं अभी इसी सिचुएशन में मार्केट जाके ये सारे ज्वेलरीज खरीदी हूँ, एकदम नहीं। ये सारे ज्वेलरीज मैंने लॉकडाउन से पहले, बहुत पहले खरीदे थे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। देन डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोज पोस्ट करती हूँ, तो फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।